हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में मनोबल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनोबल का तात्पर्य होता है कि उस देश में रहने वाले ना केवल नागरिक बल्कि सैनिक, इनका मनोबल कितना है, कैसा है। उच्च या स्वस्थ राष्ट्रीय मनोबल राष्ट्रीय शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व होता है। मार्गिंतु ने इसका अर्थ बताते हुए लिखा है कि शांति तथा युद्ध में राष्ट्र अपनी सरकार की विदेश नीतियों का किस और कितने निश्चय के साथ समर्थन करता है, यह राष्ट्र की सभी क्रियाओं जैसे कृषि है, औद्योगिक उत्पादनों और यहाँ तक कि इसकी सैनिक व्यवस्था तथा कूटनीतिक सेवाओं में भी व्याप्त होता है। इसी प्रकार से फ्रेंकल ने कहा है कि यह वह सीमा बताता है जहाँ तक लोग अपने नेताओं को समर्थन देते हैं और अपने राज्य की श्रेष्ठता तथा अपने उद्देश्यों की उचितता में विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मनोबल का अभिप्राय उस संकल्प की दृढ़ता से होता है जिसके साथ कोई राष्ट्र युद्ध या शांति काल में अपनी सरकार की आंतरिक एवं विदेशिक नीतियों का समर्थन करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी सरकार की नीतियों का, चाहे उसकी आंतरिक नीतियां हो चाहे उसकी विदेश नीति हो, अगर उसके खुद के देशवासी उसका समर्थन नहीं करेंगे तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कोई महत्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से नागरिकों के द्वारा आंतरिक और विदेश नीतियों का समर्थन बहुत ज़रूरी होता है। इससे उस सरकार का मनोबल ज़्यादा होगा और वो राष्ट्रहित के कार्यों में ज़्यादा अपना ध्यान लगा पाएगी। अब बात करते हैं मनोबल निर्माण के साधन की, मीन्स ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉरल्स। मनोबल एक गतिशील विचार है, ये हर स्थिति में समान नहीं होता। इसके निर्माण में निम्नलिखित साधन आते हैं। जैसा सबसे पहला है नेशनल कैरेक्टर या राष्ट्रीय चरित्र। राष्ट्रीय चरित्र से हमारा क्या अभिप्राय है? एक देश का रहन सहन, उसके आचार विचार, उसकी भाषा, उसका धर्म आदि से मिलकर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र निर्माण के इन तत्वों का मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम बात करें कि राष्ट्रीय चरित्र में, अगर हम जापान की बात करें तो जापानीज का राष्ट्रीय चरित्र बहुत अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं दूसरा तत्व है संस्कृति। संस्कृति किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास की को प्रभावित करती है। बदली हुई संस्कृति से लोगों के सोचने व समझने का तरीका बदल जाता है। प्राचीन संस्कृति के विचार और व्यवहार को नवीन संस्कृति अनुचित मानती है। अगर हम अभी अपने देश की बात करें तो एक स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश के लोगों के सोचने का ढंग, आगे बढ़ने का ढंग, उनके आचार विचार ये बिल्कुल अलग थे, और आधुनिक समय में हमारे ये आचार विचार, हमारे रहने का ढंग, हमारे सोचने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, ये सारे बिल्कुल अलग हैं। तो संस्कृति अगर वक्त के साथ बदलती रहती है तो बहुत अच्छा है, और यह मनोबल को भी प्रभावित करती है। जैसे देश की क्या आदर्श मान्यता है, उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहा है, इससे भी मनोबल को काफ़ी प्रभावित होने में बल मिलता है। नेक्स्ट है नेतृत्व, लीडरशिप। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर किसी देश का नेता बहुत अच्छा होता है, लोकप्रिय होता है, जनता उसकी, जनता को अपने साथ संबद्ध कर लेता है, तो ऐसे लोकप्रिय नेता का आह्वान राष्ट्रीय मनोबल को ऊंचा उठाता है। क्योंकि यदि किसी निवासियों को अच्छे महान व्यक्तित्व का नेतृत्व प्राप्त हो जाता है तो वह देश अन्य राष्ट्रों द्वारा भी सम्मानित होता है। जैसा कि पामर और पार्किंसन के शब्दों में, यदि नेता जनता में लोकप्रिय हो जाता है तो उसके विचारों का प्रभाव देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसा हम विश्व की कितनी ही
नेताओं के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वियतनाम के नेता हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इसी प्रकार से अगर हम चाइना की बात करें तो 80 करोड़ नागरिक माओ के नेतृत्व के कारण अफीमची से विश्व शक्ति बन गए। यदि हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी लोकप्रिय नेता जैसे इंदिरा गांधी को हम ले सकते हैं जो कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर थी, लाल बहादुर शास्त्री को ले सकते हैं जो कि बिल्कुल सादगीपूर्ण और सज्जन और सरल स्वभाव के थे, नेहरू को ले सकते हैं हम, और वर्तमान में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले सकते हैं जिनके नेतृत्व ने भारत को एक नई दिशा दी, जिनके नेतृत्व से हमारी विदेश नीति ज़्यादा प्रभावशाली रूप से कार्य कर पाई। इसी प्रकार से आता है लोक हितकारी सरकारें, वेलफेयर गवर्नमेंट। इससे यह अभिप्राय है कि यदि किसी देश की सरकार लोक हितकारी कार्य करती है और सुशासित है तो जनता उसका साथ देगी, उसके हर कार्य में सहयोग करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुमत से चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारें ये कार्य ज़्यादा करती हैं, तो इससे स्वस्थ मनोबल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से लास्ट है सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियाँ, मनोबल और परिस्थिति एक दूसरे के पूरक हैं। मनोबल का परिस्थिति और अवसर के अनुसार बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। जैसा कि हम 1962 के भारत चीन युद्ध के समय की बात को अगर हम लेते हैं तो उस समय हमारे राष्ट्रीय संसाधन कम थे, हमारा जो नेतृत्व था वो अलग था, हमारी जो सेना थी उनके पास पूरे संसाधन नहीं थे, तो उस समय हमारे देश का लगभग मनोबल गिरा हुआ था, क्योंकि भारत जस्ट आज़ादी हुआ था, पूर्णतः विकसित हुआ भी नहीं था, और चाइना हमारे राष्ट्र की तुलना में बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन यदि हम बात करें 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की, तो इसमें भारतीय सेनाओं का मनोबल काफ़ी ऊंचा था। और यदि हम वर्तमान के भारत चीन तनाव के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति 1962 वाली स्थिति नहीं है, अर्थात मनोबल गिरा हुआ नहीं है, वरन हमारे राष्ट्र का मनोबल चाइना के मनोबल से कहीं ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनोबल राष्ट्रीय शक्ति की रीढ़ होती है, और रीढ़ का तात्पर्य हम सभी जानते हैं कि जिसके टूटते ही संपूर्ण राष्ट्र का ढांचा ठीक उसी प्रकार से धराशायी हो जाता है जिस प्रकार से कि शतरंज के खेल में राजा के हारते ही सारी चीज़ें अनुकूल होते हुए भी हमारी सारी चीज़ें विपक्ष के पास चली जाती हैं, प्रतिकूल हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि मनोबल के अभाव में राष्ट्रीय शक्ति केवल एक भौतिक शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कूटनीति की, डिप्लोमेसी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति का मस्तिष्क भी कहा जा सकता है, जो राष्ट्र के सभी शक्ति स्रोतों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि वो अपनी अधिक से अधिक क्या दे सकें, उपयोगिता दे सकें। जैसे जनसंख्या है, सैनिक तैयारी है, कच्चा माल है, खाद्यान्न है, ये तभी अपनी उपयोगिता दे पाएंगे जबकि हम कूटनीति को इस प्रकार से बनाएं, इस प्रकार से उसका पालन करें कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सके। प्रश्न उठता है कि कूटनीति क्या है, तो कूटनीति का जो परिभाषा ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने दी है उसके अनुसार राजनय संधि वार्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का व्यवस्थापन है। यह वह विधि है जिसके द्वारा संबंध दो देशों के संबंध राजदूतों या दूतों द्वारा समायोजित तथा व्यवस्थापित किए जाते हैं। यह राजनय का व्यवसाय या कला है। इसी प्रकार से सर अर्नेस्ट साटो के शब्दों में स्वतंत्र राजनय राज्य की सरकारों के मध्य राजकीय संबंधों के संचालन में बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग है, जो कभी कभी उनके अधीनस्थ राज्यों के संबंध पर भी लागू होता है।
या अधिक संक्षिप्त रूप में यह राज्यों के बीच शांतिपूर्ण साधनों द्वारा व्यवसाय का संचालन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कूटनीति के द्वारा हम उसको प्रभावशाली बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकते हैं। कूटनीति के द्वारा ही हम ये देखते हैं कि हमें किन राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखने हैं, किन राष्ट्रों पर दबाव और धमकी भरे संबंध रखने हैं, किन राष्ट्रों के साथ जो संबंध हैं, जैसे मान लीजिए नव स्वतंत्र राष्ट्र है, किसको हमें मान्यता देनी है, किसको मान्यता नहीं देनी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 1949 में भारत ने चाइना को मान्यता दे दी थी एज अ कम्युनिस्ट स्टेट, लेकिन इसराइल को वही मान्यता देने में भारत ने 1971 में उसको मान्यता दे पाया। तो कूटनीति, जैसे कि हम मार्गेंटों के शब्दों में कह सकते हैं कि उत्तम श्रेणी की कूटनीति विदेश नीति के लक्ष्य तथा साधन का राष्ट्रीय शक्ति के साधनों से सामंजस्य स्थापित कर देती है। ये राष्ट्रीय शक्ति के गुप्त स्रोतों की भी खोज कर लेगी और उन्हें पूर्ण स्थायी रूप से राजनीतिक यथार्थता में परिणित कर देगी। राष्ट्रीय प्रयत्नों को दिशा प्रदान कर वह अन्य तत्वों जैसे औद्योगिक संभावनाएं, सैनिक तैयारी, राष्ट्रीय चरित्र तथा राष्ट्रीय मनोबल का भी प्रभाव बढ़ा देगी। इस प्रकार कूटनीति राष्ट्रीय हित का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। धन्यवाद।